देख रहे हैं कुछ तो है। हिमाचल प्रदेश की इस कहानी का हर एक किरदार एक रहस्य था जिसे हम हर कीमत पर सुलझाना चाहते थे। क्या जिस नागमणी का दावा किया जा रहा था वो वाकई में नागमणी ही थी? इन सवालों का सच तलाशने के लिए हम आगे बढ़े तो हमें बहुत कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य मिले। क्या सांपों की कोई प्रजाति कला देवी और इंदर सिंह ठाकुर से बदला लेना चाहती है? अगर नहीं तो सांपों के बार बार डसने की क्या वजह हो सकती है? जाहिर है इस सवाल का जवाब खुद इंदर सिंह और कला देवी नहीं दे सकते, इसलिए हम कुछ जानकारों के पास पहुंचे, उन्हें पूरी कहानी बताई और जवाब में कई बातें पता चली। पहला ये कि सांपों के बदला लेने की कहानियां सिर्फ एक मिथक है। सांपों में दिमाग तो होता है लेकिन याददाश्त इतनी नहीं होती कि वो किसी इंसान की तस्वीर याद रख पाए। मतलब ये कि जानकार मानते हैं कि बदला लेने की नीयत से सांपों का किसी इंसान को बार बार काटना सिर्फ एक अंधविश्वास है। ये सब पूरा गलत फहमी है सांप के लिए कि सांप एक आदमी को 100-100 बार 50-50 बार काटता है। वैसे सांप के बारे में ज्यादा से ज्यादा आदमी में डर भी है, एक डर के हिसाब से ये लोग एक एक स्टोरी एक एक अपना अपना मनगढ़ंत कहानी बनाने का है। वैसे सांप को किसी को ऐसे काटते भी नहीं होंगे, क्योंकि एक सांप जानता है, जो जहरीला सांप होता है वो जानता है कि वो स्टेज ऑफ वेनम हो जाएगा उससे किसी आदमी को काटने से, उससे अच्छा वो खाना खाएगा, उससे अच्छा जो चूहा मेढक जो खाते हैं सांप। कोई एक सांप इंसान को बार बार नहीं काटता, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इंदर सिंह ठाकुर और कला देवी के मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि दोनों पर अलग अलग प्रजाति के सांप हमला करते आए। हमने जानकारों से समझने की कोशिश की तो इस बात का कोई पुख्ता जवाब उनके पास भी नहीं था। ये कि इनको बार बार सांप क्यों काटता है इसका कोई मेडिकल रीजन नहीं है। एक आदमी कहता है कि मेरे को ही सांप आके काटता है, बाकियों को नहीं काटता, इसका कोई मेडिकल रीजन नहीं है। नॉर्मली इट मे बी बाय चांस, और मतलब कोई हम ये नहीं कह सकते कि एक आदमी में ऐसी सुगंध आ रही है कि सांप उसी को आदमी काटता है, इसका कोई मेडिकल वैल्यू नहीं है। यानी इंदर सिंह ठाकुर और कला देवी का रहस्य जानकारों की समझ से भी परे है। उनकी नजर में ये सब कुछ सिर्फ इत्तफाक हो सकता। अब बारी थी नागमणि के दावे का सच जानने की। रंजीत सिंह का दावा है कि उनके पास 100 साल पुराने सांप से मिली नागमणि है। दावा तो यह भी है कि 300 साल पुराने सांप से मिली नागमणि बेहद चमकदार और शक्तिशाली होती है, जबकि विज्ञान के मुताबिक आम तौर पर एक सांप की औसत उम्र 9 से 10 साल होती है। हालांकि कुछ प्रजातियों के सांप 50 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। मतलब 100 साल या 300 साल पुराने सांप का दावा सिर्फ एक किंवदंती है। जानकारों की माने तो सांपों में नागमणि जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती। नागमणि जैसा नहीं होता, ये होता है कि रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, और ये सालों में बहुत बार ये बाहर का जो हिस्सा इसको मोल्टिंग बोलता है, जो केचुली होता है वो छोड़ देता है। सांप में लिजर्ड में होते हैं, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में होते हैं ये चीज। तो जब वो जो केचुली निकलेगा सांप का, तो तब होता है कि जो नया स्केल होता है वो स्मूथ होता है, चमकीला होता है, तो उसमें कभी कभार सूरज का रोशनी जब पड़ते ही चमकता है। तो नागमणि का कॉन्सेप्ट इसी से ही आया होगा। रही बात नागमणि से सांप के जहर को निकालने की, तो ये कहानियां आधी हकीकत है तो आधा फसाना भी। सर्पदंश के इलाज के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल होता है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, लेकिन नागमणि का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका इलाज आप स्नेक एंटी स्नेक वीनम से होता है, और एंटी स्नेक वीनम आप सांप से ही बनाते हो। नाग के वीनम से एंटी स्नेक वीनम बनता है, तो इस जमाने में लोग बनाते होंगे एंटी स्नेक वीनम की कोई टेक्नोलॉजी रही होगी जिसको वो मणि बोलते हैं। जरूरी थोड़ी है कि वो सांप की मणि निकली है, लेकिन इच्छाधारी सांप सिर्फ पिक्चरों में ही है, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन हमारे ह्यूमन लाइफ में नहीं है। यानी रंजीत सिंह ने कैमरे के सामने जो दावा किया वो जो भी था
लेकिन नागमणि नहीं थी। जानकारों की माने तो नागमणि महज एक मिथक है, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंदर सिंह और कला देवी को ही सांप बार बार क्यों काटते हैं, ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और रोमांच से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।